वाह, ये पेंट कितना सुंदर लग रहा है। इस पर प्लास्टिक की शीट को प्रेस करते हैं। ओह, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। ये मॉडर्न आर्ट जैसा लग रहा है। चलो कुछ अलग ट्राई करें। इस पेंट को फैलाने के लिए मैं इस विंडो क्लीनर का इस्तेमाल करती हूँ। अब ये मेरी दीवार पर लगेगा। वेव पैटर्न बनाकर देखा जाए, बहुत बढ़िया है। इस बार पेंट के ब्लॉब्स इस्तेमाल करते हैं। इसे प्लास्टिक से खींचेंगे और कुछ इस तरह बनाएंगे। हम बहुत कुछ बना सकते हैं और हर पेंटिंग अनोखी होगी। मैं एक गैलरी खोल सकती हूँ और मैं अमीर हो जाऊंगी। बहुत बोर हो रही हूँ, ये कोई मजाक है? स्नैक टाइम। चलो इसे और दिलचस्प बनाएं। एलियो, ये आ रही है। पकड़ लिया। हाँ, मैं जानती हूँ ये बहुत बढ़िया था। तुम ये कर सकते हो? अरे यार, ये तो मैं आंखें बंद कर सकता हूँ। ये देखो, अब तुम हैरान हो जाओगी। ओह, मेरी आंख। ओह, तुम क्या कह रहे थे? प्रैक्टिस करते रहो, हो ही जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम रेनबो बनाओ और अच्छा होना चाहिए। मुझे रेनबोज बहुत पसंद है। मुझे कलर्स पसंद नहीं है। अब हंसो ना, मैं जल्दी से शुरू करता हूँ। ये कुछ जादुई है। तुम क्या कर रहे हो? कैसा नर्ड है। एनी, किसका इंतजार कर रही हो? शुरू करो। हाँ ठीक है, पर मुझे सिर्फ ब्लैक पसंद है। चलो जल्दी निपटाएं। अगर आपको रेनबो चाहिए तो मैं बना देती हूँ, वो सबसे अच्छा रेनबो होगा। मैंने बना लिया। मैं इसकी खूबसूरती दर्शाना चाहता था। आपको पसंद आया? हमारा बैंगो मिल चुका है। कैसा चल रहा है एनी? टडाओ। कोई बात नहीं, आप तालियां बजा सकती हैं। तुम्हें पता है ना रेनबो कैसे दिखता है? ओह, कैसी बकवास क्लास है। मुझे रेनबो से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड रुको, ये पेंस मुझे दो। मैं इन्हें रेनबो के ऑर्डर में अरेंज करूंगी। अब ग्लू गन चाहिए। पेंस को साथ में जोड़ देंगे। अब ग्लू के सेट होने का इंतजार करेंगे। चलो अब ड्रॉ करें। पेंस को इस तरह पेपर पर चलाएंगे और इनसे एक आर्क बनाएंगे। वाह, बढ़िया लग रहा है। कलर साथ में ब्लेंड हो रहे हैं। इसे ड्रॉ करना कितना आसान है। जी हाँ, अब ये पूरा नहीं हुआ। प्लास्टिक वॉलेट पर ब्लैक पेन से रेनबो बनाएंगे। रेनबो नहीं है, लो आ गया। कूल है ना? अब दिख रहा है और अब गायब। ओह, वापस आ गया। ये कैसा जादू है? वाह, कमाल है। मेरा काम पूरा हुआ। एक सेकंड रुको, तुमने मल्टी कलर टी शर्ट पहनी हुई है। मुझे लगा तुम्हें सिर्फ ब्लैक पसंद है। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी मत कहना, नहीं तो मेरा मुंह बंद है। मेरा होमवर्क पूरा होने ही वाला है। ये ड्राइंग बहुत सुंदर दिखेगी। सच में? मुझे दिखाओ। नहीं, अभी भी काम चल रहा है, शांत रहो। ये हो गया और कितनी खूबसूरत है। आपको कैसी लगी? ओह, ये तो, ये क्या है? क्या ये आलू है? जरा रुको, मैं थोड़ा टेढ़ा होकर देखती हूँ। ओह, अब पता चला, ये एक डक है। क्या? नहीं, मैं जानती थी। मैं पास से देखती हूँ। और पास से देखना होगा। ओह, ऑब्वियस है, ये एक लेमन है ना? नहीं, ये लेमन नहीं है। ठीक है, मैं वही सोच रही थी। ये बहुत मुश्किल है, मैं क्या मिस कर रही हूँ? आप क्या कर रही हो? अरे हाँ, ये बनाना है। अरे यार, छोड़ो इसे। माफ करना स्वीटी, ये क्या है? ये पिकाचू है। सच में? अरे नहीं। ओह, देखते हैं मुझे कौन सा ग्रेड मिला। एफ। ओह, ये बहुत बुरा हुआ। वो बहुत उदास होगी, पर लगता है मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। पिकाचू को यहाँ रखते हैं। अब पेंसिल को शार्प करेंगे। इससे मुझे याद आया, मुझे पेंसिल शार्पनर खरीदना है। ये बेहतर है। एक और पेंसिल लेंगे। अब इसके आसपास रबर बैंड बांध देंगे। दूसरे कोने पर भी ऐसा ही करेंगे। अब ऐसी इमेज बनाएंगे, बस लाइंस को फॉलो करना है। और दूसरी पेंसिल खाली पेज पर ट्रेस होगी। ये खुद बनाने से बहुत आसान है। लो, ये बढ़िया लग रहा है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, अब हमें इसमें कलर करना है। तुम्हें कैसा लगा एवा? वाह, ये परफेक्ट है। थैंक्स मॉम, मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ। मैं लेट नहीं होना चाहती। तुम्हारा दिन अच्छा जाए हनी, तुम्हें ए ही मिलेगा। ओ नहीं, एवा रुको, बहुत भूख लग रही है, मुझे स्नैक चाहिए। टीचर बिजी हैं। यही मौका है, इमरजेंसी के लिए हमेशा मेरे पास यहाँ स्नैक रहता है। आह, ये रहा। जल्दी करना होगा, अगर उन्होंने ये देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी।
क्या वो कैंडी थी? हे, इसे इग्नोर करो। आपने कुछ नहीं देखा? क्या? हिम्मत भी मत करना। आप मुझे नहीं रोक सकती। बहुत बुरा है एवा। मुझे अभी बहुत शर्म आ रही है। पर कोई पछतावा नहीं। मैं सोचूंगी कि ऐसा हुआ ही नहीं। पर मेरा मन अभी तक नहीं भरा। शुक्र है मैंने ये चिप्स रखे हुए थे। ये काम आएगा। मैंने छिपा देती हूँ। ये पेंसिल होल्डर काम आएगा। बस आराम से बैठो, बिल्कुल मामूली तरीके से। क्या स्वाद है, मुझे इसी की जरूरत थी। अपना मुंह खोलो। ओ, तुम कितने अच्छे हो। एक सेकंड, अजीब है, मेरे पास एक और हाथ नहीं है। हेलो एवा, यहाँ चिप्स अलाउड नहीं है, तुमने सुना? ओ हाँ, पर आपने डोनट्स को तो ना नहीं कहा। वहाँ क्या हो रहा है? ओ, कुछ और करो। मैं तुम्हें देख रही हूँ। जो भी हो, मैं बहुत तेज हूँ। आहा, पकड़ लिया। क्या? खुजली हो रही है। कुछ ठीक नहीं है। वो बहुत तेज है। तो मुझे भी कुछ करना होगा। मैं जानती थी ये मैनिकिन काम आएगी। अब मुझे इसका मेकओवर करना होगा। जी हाँ, वही देखती रहो। मैं यही तो ढूंढ रही थी। मैं इसकी हकदार हूँ। इससे स्वादिष्ट डोनट मैंने कभी नहीं देखा। पिंक फ्रॉस्टिंग और स्प्रिंकल्स, ये तो आर्ट है। ये डोनट मत खाओ। मैंने कहा मत खाओ। कहा था ना? नहीं। रुको, आप गंजी हो गई? ये मुझे दो। ये बहुत गलत है, ये खा मत लेना। अभी के अभी छोड़ो एवा। इतनी मेहनत पढ़ाई में कर लिया करो। अब और नहीं, समझी? अब मुझे मार्किंग करने दो। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुको। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। पहले दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, अब इन्हें साथ में जोड़ देंगे। ऊपर की तरफ भी कुछ ऐसा ही करेंगे और अब एक वेव पैटर्न बनाएंगे इस पूरे पर। अब ऊपर के हिस्से पर पेंसिल से बनाने के बाद इसे पेन से बनाएंगे। इससे ही उभर कर आएगा। बस रफ ड्रॉइंग को फॉलो करते रहेंगे। मैं अब इसे खराब नहीं करना चाहती। ये बिल्कुल डोनट जैसा लग रहा है। पेंसिल से बने हुए को हम इरेजर से हटा देंगे। अब इसे कलर करेंगे। बस वेवी लाइन के अंदर वाले हिस्से को ही फिल करेंगे। ये होगी इसकी फ्रॉस्टिंग। मेरे मुंह में पानी आ गया है। और अब डोनट को कलर कर सकते हैं। मैं इसके लिए डार्क ऑरेंज कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। स्प्रिंकल्स के लिए करेक्शन पेन इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉस्टिंग के ऊपर डैप करेंगे और थोड़ी शैडो बनाएंगे। बिल्कुल कोनों पर ही बनानी है। ऐसा ही स्प्रिंकल्स के साथ भी करेंगे, जिससे ये और असली दिखेगा। लगता है हो गया। अब अगले स्टेज की बारी। चलो इसे बदल देते हैं। अब तुम मेरे हो डोनट। मैं इस ड्रॉइंग को बॉक्स में डाल देती हूँ। हाँ, कौन है? मैंने पक्का कुछ सुना है। क्या कुछ हुआ है? मैं तो बुक पढ़ रही हूँ। ठीक है, पर मेरी नजरें तुम ही पर है। किसे पता था बुक्स इतनी काम की हो सकती हैं? ये मेरा डोनट छिपाने के लिए बढ़िया है। जल्दी करो, अगली क्लास में चलो। आखिरकार वो चले गए। मैं इसी का इंतजार कर रही थी। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये डोनट नहीं है, मेरे साथ खेल खेला गया। सेल्फी। बहुत क्यूट है। मैं क्लास के लिए लेट तो नहीं हो गया? क्यूट तो वो है, देखो केविन आया है। हे भगवान, मैं कैसी लग रही हूँ? हे केविन, यहाँ देखो। तो तुम यहाँ हो, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वाह, वो कितना प्यारा है। हम साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। हमारे बच्चों के नाम क्या होंगे? क्या फर्क पड़ता है, वो भी बहुत प्यारे होंगे। रुको, ये क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो यही कहोगी। मुझे चलना होगा। तो मैं अकेला हो गया। हे एवा, जरा ये देखो, कितना फनी है। मुझे नहीं लगता। बहुत रूड है। एवा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए पॉप्सिकल लाई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये चॉकलेट है, तुम्हारी फेवरेट। नहीं, जाओ यहाँ से, ये पिघल जाएगी। हाँ, दोबारा ट्राई करते हैं। हम केविन। ओ, वो चली गई। रुको, शायद मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहले पेपर में से एक सर्कल काटेंगे, अब इस पर एक चेहरा बनाएंगे। ये हंसने वाला इमोजी होगा, ये क्लासिक है। अब येलो और पिंक सर्कल लेते हैं, इसे इमोजी के ऊपर रखेंगे। ऊपर वाले पर लव हार्ट इमोजी बनाएंगे। ये बहुत क्यूट है, जरा इसे देखो। अब दो और सर्कल्स बनाएंगे और एक और इमोजी बनाएंगे। ये वाला सैड फेस होगा। ओ, खुश हो भी जाओ।
इसके ऊपर एक पिंक सर्कल रखेंगे, उल्टा करेंगे और इस पर पॉप्सिकल स्टिक चिपका देंगे। मैं बस खुश होना चाहती हूँ। एवा, तुम्हें ये देखना चाहिए। अब ये क्या है? तुम ऐसी लग रही हो। हमें इसे बदलना होगा। वेरी फनी। मैं ऐसा महसूस करती हूँ। आई लव यू। तुम मेरी बेस्टी हो। अब मुझे शर्म आ रही है। हाँ मैं जानती हूँ, पर ये फनी है ना? हाँ है तो। माफ कर दो एवा, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। जरा रुको, तुमने वो देखा? अरे यार, तुम बहुत फनी हो केविन। नहीं, वो मेरे टाइप का नहीं है। ये तुमने बनाया? ये क्लास कितनी बोरिंग है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल के बैठी हूँ। टीना ऐसे सो कैसे सकती है? हे लेक्सी, क्या शायद हमें थोड़े मजे करने चाहिए टीना के साथ? क्या तुम भी वही कह रही हो जो मैं बोल रही हूँ? अगर ऐसा ही तो मैं तैयार हूँ। चलो ऐसा करें। हमें उसे जगाना नहीं है। बिल्कुल ऐसे, यही वो जगह है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सही लगता है। सोडा को नोटबुक पे रखो। क्या तुम्हारे पास हेडबैंड है? ठीक है, हो गया। ये मजेदार होगा। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। कभी भी हो सकता है। तो चलो। क्या क्या हुआ? मैं गीली हो गई। हे भगवान, ये कितना मजेदार था। ये तुमने किया? बेहुदा है। इससे बुरा टेस्ट आज तक नहीं देखा। मेरा मतलब नाम भी गलत लिखा है। एफ मिलता है। इतना गलत कोई कैसे हो सकता है? अगला क्या है? क्या मजाक है? ओ रुको, ये ठीक है। मैं हैरान हूँ। वैसे इसे ही मिलता है। वाह, इसमें कितना वक्त लगता है? अभी कितने सारे बच्चे हैं? मुझे ब्रेक चाहिए। कोई आसान तरीका होना चाहिए। रुको, शायद मैं जानती हूँ क्या करना है। मुझे एक फ्लैट रिंग चाहिए, बिल्कुल ऐसी। मैं सरफेस पर ग्लू लगाती हूँ, फिर मैं इसके ऊपर फोम का टुकड़ा लगाती हूँ। अब मैं ग्लू गन से एफ ड्रॉ करती हूँ। मैं इसे ध्यान से करूँगी। मैं नहीं चाहती कोई मेरी आर्टिस्टिक स्किल को ग्रेड दे। ये अच्छा लग रहा है। मैं एक और रिंग बनाती हूँ। इस बार उस पर ए लिखा होगा। इससे काम जल्दी होगा। मैं रिंग्स पहन लेती हूँ। चलो ग्रेड्स देते हैं। मैं टेस्ट पेपर पर रिंग प्रेस करती हूँ। देखो इसे, ये काम किया। हाँ, ये कितना आसान है। इससे मेरा स्ट्रेस भी कम होगा। अब अगला पेपर। रुको, सारे हो गए। ये मेरी ज्वेलरी की सबसे पसंदीदा चीजें हैं। और अब मैं आराम कर सकती हूँ। वो चली गई। चलो भी जल्दी। हाँ, ये क्या है? काफी मजेदार रिंग लगती है। लियम, ये देखो, ये क्या है? मुझे एक रिंग मिली। बढ़िया, देखो एक और है, काफी अच्छे से आई। डेविड, ये देखो। वो ये कितना कमाल का है। रुको, मुझे कुछ ट्राई करना है। हेलो मत, हो तुमने ऐसा क्यों किया? चलो भी यार, ये सही नहीं है। अब तुम मुसीबत में हो। तो चलो, ये क्या? लड़को रुको, तो तुम यही कर सकते हो? हटो, तुम ये क्या कर रहे हो? ये उसने शुरू किया। हाँ, तुम पागल लग रहे हो। तुम भी। ये हंसने वाली बात नहीं है। रिंग्स मुझे दो। चलो भी, इधर दो। अब निकलो यहाँ से। काफी मजेदार लग रहे थे। थोड़े से और स्टिकर्स और मेरी नोटबुक तैयार हो जाएगी। जितने यूनिकॉर्न्स हो उतने कम है। वाह, ये तो कमाल लग रहा है। चलो क्लास में चले, मैं लेट नहीं होना चाहती। मैं अपनी नोटबुक दिखाने का इंतजार नहीं कर पा रही। सब लोग बहुत जेलस होंगे। मैं अपनी नोटबुक यहाँ रखूंगी। क्या, ये कैसा आइडिया है? तुमने मेरी नोटबुक कॉपी करी? ये तुम क्या कह रही हो? एक सेकेंड, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। क्या वो चली गई? ये कितना बुरा था। विश्वास नहीं होता हम दोनों का एक स्टाइल है। रुको, शायद मैं ये ठीक कर सकती हूँ। मुझे बस ये पेन चाहिए। मैं स्टिकी नोट पर लव हार्ट बनाने से शुरुआत करती हूँ, फिर मैं इसे कलर करती हूँ। ये रेड परफेक्ट है। मैं इसे शेड करती हूँ ताकि और अच्छे से लगे। फिर इसे कट करती हूँ। फिर इस पर एक पार्चमेंट पेपर लगाती हूँ और इसे टेप से कवर करती हूँ। इसे स्मूथ करें, मुझे इस पर क्रीजेस नहीं चाहिए। अब मैं इसे कट करती हूँ। मैं हार्ट से थोड़ा बड़ा कट करूंगी इसे।
मैंने दूसरी ड्राइंग्स भी बना ली। अब मैं अपनी नोटबुक डेकोरेट कर सकती हूँ। मैं स्ट्रॉबेरी से स्टार्ट करूँगी। मैं बैकिंग पेपर हटा देती हूँ और अपनी नोटबुक पर लगाती हूँ। ये काफी बेहतर लग रही है, मुझे पसंद आई। ये यूनिकॉर्न से काफी बेहतर है। हाय नायोमी, सब कैसा है? बढ़िया। वो मुझे स्टिकर्स पसंद है। क्या ये सबसे अच्छे नहीं है? मैंने ये खुद बनाए हैं। देखो, लेक्सी के पास सेम स्टिकर्स हैं। ये बहुत ही बुरा हुआ। अब ये खत्म करना होगा। यहाँ पर स्टिकर्स वाली सिर्फ एक नोटबुक हो सकती है। नायोमी ये तय करेगी। क्या? बिल्कुल नहीं। खैर, हमने तुम्हें बुद्धू बनाया। हाँ, ये बहुत मजाकिया था। चलो क्लास में चले। क्या दिन था, आखिरकार आराम कर सकता हूँ। रुको, एक टू डू लिस्ट। पहले नंबर पर अपना रूम साफ करो, अपना होमवर्क करो। ये सही नहीं है, चलो इसे खत्म करें। ये थोड़ा समय लेगी। चलो पहले नंबर टू करते हैं। हाँ, होमवर्क कभी अच्छा नहीं होता। मुझे और क्या करना है? पढ़िंग। हे यार, मुझे स्कूल में ही रहना चाहिए था। ओह हे मॉम, तो तुम आ गए बच्चे, तुम्हें ये करना होगा। हे भगवान, शुक्रिया। और लिस्ट मत भूलना, मैं सीरियस हूँ। नहीं भूलूंगा, किस्मत ही खराब है। मुझे वीडियो गेम खेलना है, मुझे अपने लिए कभी समय नहीं मिलता। शायद मैं जल्दी गेम खेल सकता हूँ, थोड़े मजे तो कर ही सकता हूँ। लियम, लिस्ट फॉलो कर रहे हो? ओह लियम, ये सब क्या है? मैं ये सब नहीं साफ करूंगी। लिस्ट में इतना भी क्या था? बहुत आसान था। मुझे जानना है, जरा ये पॉपिट तो देखूं। मैं जानती हूँ ये टू डू लिस्ट और इंटरेस्टिंग कैसे बनानी है। मैं अभी आई। पहले मुझे पॉपिट में से एक सेक्शन काटना होगा। इसे यहाँ रखो। अब मुझे लिस्ट चाहिए और मुझे हाइलाइटर पेन चाहिए। मैं दो पेन को एक निप पर प्रेस करूंगी। पेन मिक्स हो गए। अब मैं लिखती हूँ, इससे कलरफुल इफेक्ट आएंगे, बिल्कुल ऐसे। मेरे ख्याल से तैयार है। अब ये लियम को दिखाने का समय है। हाँ, वो अभी तक सो रहा है। मैं इसे डोर पर लगा देती हूँ। मुझे शांत रहना होगा, वो बच्चों की तरह सो रहा है, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। क्या था ये? रुको, ये कुछ अलग है, जरा देखता हूँ। ये मजेदार लगता है। रुको, मुझे पहले अपना रूम साफ करना होगा। मुझे ये साफ करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं जानता था। पुडिंग, ये बहुत बुरा है। ये काफी अच्छा था। अब मैं पॉपिट को प्रेस कर सकता हूँ। सब हो गया। मॉम। हाँ हनी। वाह, ये साफ है। आखिरकार मुझे कारपेट नजर आ रहा है, मेरा प्यारा बच्चा। चलो भी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। क्या तुम ठीक हो? नहीं, मुझे एग्जाम पास करना है। मॉम डैड, देखो मुझे प्लस मिला। मैं जानता था तुम ये कर लोगे, हमें तुम पर गर्व है। तुम फैमिली में सबसे होशियार हो, मुझे हीरो जैसा लग रहा है। तो चलो, रिजल्ट्स तैयार है। प्लीज, ग्रेड्स अच्छे हो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आए, मुझे कहना होगा, मैं हैरान हूँ। ये लो लेक्सी, और ये तुम्हारे ग्रेड है लियम। मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन मुझे देखना होगा। पहले तुम देखो लेक्सी। ठीक है, ये बस ग्रेड है। वाओ, मैं पास हो गई, मुझे ए प्लस मिला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अचानक से मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मुझे बस देखना है, बुरा क्या ही हो सकता है। क्या सच में? मैंने इस टेस्ट में बहुत मेहनत की थी और आपने मुझे एफ दिया, ये बहुत बुरा है। मॉम और डैड बहुत निराश होंगे। एफ? इस घर में मेरा कोई बेटा नहीं है। जाओ, निकलो यहाँ से, मैं अपने घर में लूजर्स को नहीं देखना चाहता। ये बहुत ड्रामेटिक लग रहा है, मुझे बेघर नहीं होना, मैं क्या करूं? ये क्या है? ओह, ये पुरानी गम। ये बहुत बेहुदा है, ये दिन बुरा होता जा रहा है। रुको, मैं जानता हूँ मुझे बेटर ग्रेड कैसे मिलेंगे, ट्राई करके देखता हूँ। लेकिन मुझे पेन चाहिए और ग्लू गन। मैं पेन के एंड पर ग्लू लगाता हूँ। मैं इस तरह कैप को कवर करना चाहता हूँ, इसे ठीक होना चाहिए। ये काम करेगा। मैं इसे ग्रेड पर प्रेस करता हूँ, पर इस पर थोड़ा प्रेशर लगाता हूँ। रुको, कोई नहीं देख रहा है ना? अब मैं पेन को उठाता हूँ और एफ गायब हो गया। वाह, ये आसान था। अब रेड पेन लेता हूँ। ए प्लस काफी असली लग रहा है। ग्लू मार्क को छिपाने के लिए सर्कल बना देता हूँ, किसी को कभी नहीं पता चलेगा।
मैं जीनियस हूँ। पढ़ाई किसे करनी है? गम तो ऐसी लग रही है जैसे इसमें अभी भी फ्लेवर हो। मिंटी, मैं जाके मॉम और डैड को दिखाता हूँ। आज मैथ टेस्ट है और ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैं ये कर सकती हूँ। मुझे स्कूल पसंद नहीं है, इससे अच्छा मैं पार्क में घूम सकती थी। कैसे हो पढ़ाकू? चार्मिंग। टेस्ट में अच्छा करना, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और टेस्ट शुरू होता है अब। ये बहुत मुश्किल है, तुम्हें स्ट्रेस क्यों हो रहा है? ये बस एक टेस्ट है। ओह, ये आसान है, तुम्हें बस तैयार रहना है। आंसर्स तो मेरे फिंगर टिप्स पर हैं। पढ़ना क्यों जब तुम चीटिंग कर सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा है मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगी। ठीक है, चलो करते हैं। सबको एग्जाम्स में चीटिंग करनी चाहिए। ओह नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेक्सी, हे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम चुप रहो, तुम अपने आंसर्स पर ध्यान दो। लेकिन ये सही नहीं है। मैं जानती हूँ। ओप्स, मेरा पेन गिर गया। तुमने अभी मेरे डेस्क में से पेन गिरा दिया, ये गलती से हो गया। खैर, बेहतर होगा अगली बार ना हो। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, मुझे जल्दी करना होगा, इससे उसे पता चलेगा। तुम कितनी बचकानी हो। हे, तुमने ऐसा क्यों किया? चीटर्स कभी जीत नहीं सकते। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे ग्लासेस ले रही हूँ। नहीं, मुझे वो नजर नहीं आ रहे, सब कुछ ब्लर है। अच्छी बात है, मेरे पास एक्स्ट्रा है। इतनी बुरी मत बनो। बिल्कुल तुम कर सकती हो। अब मैं क्या करूँ? आंसर्स नहीं दिख रहे। रुको, नहीं इससे मदद नहीं मिलेगी। ये शायद मिल जाए। मैं जानती हूँ इसे कैसे ठीक करना है। मैं इस पेंसिल लेंस को कलर कर दूंगी, ये मदद करना चाहिए। ठीक है, चलो ट्राई करें। मैं इसे चीट शीट के ऊपर रखूंगी और आंसर्स दिख जाएंगे। ये तो एक मैजिक है। और ये सनग्लासेस लग रहे हैं। बेहतर होगा टेस्ट फिनिश कर लूं। हाँ, ये क्या है? हे लेक्सी, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? सच में? मैं देखना चाहती हूँ इसमें क्या है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ओह माइल्स, तुम कितने बड़े फ्लर्टी हो। लेकिन मैं मना नहीं कर सकती, ये बहुत कूल है। हमें बाद में हैंग आउट करना चाहिए। विश्वास नहीं होता कि मुझे हेल्प मिला। बस ये मॉम ना देख ले, पर मैं जानती हूँ क्या करना है। मैं इस पर अपना हेयर स्ट्रेटनर चला देती हूँ और ऐप गायब हो जाएगा, बिल्कुल जादू की तरह। ओ, मॉम आ रही है, जल्दी करना होगा। लगता है मुझे A+ मिलना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? जीना, तुम घर आ भी गयी? ओह हे मॉम, मुझे मेरे टेस्ट रिजल्ट मिले। एक मिनट रुको, जरा मुझे देखने दो। ओह नहीं, अब तो मैं गयी। मुझे तुम पर गर्व है स्वीटी, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल मुझ पर गया है। बिल्कुल मॉम, और चालाकी डैड से मिली है। मैं आ ही गई, मुझे लगा लेट हो जाऊंगी। ठीक है, मेरी नोटबुक कहाँ है? काश मैं कहीं और बैठ सकती। ये रही। ओह ये क्या है? नहीं, पेंसिल स्लिप हो गई। बहुत बढ़िया, और अब मैं इरेजर इस्तेमाल नहीं कर सकती। हे, कैसी हो? तुम्हारे पास इरेजर है? बिल्कुल। एक सेकंड रुको, मेरे पास एक तो था। कहाँ है? इतनी सारी फालतू की चीजें, मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैंने मांगा ही क्यों? जरा रुको, हाँ यही है। माफ करना, नहीं मिल रहा। ओह ठीक है, रुको, ये क्या है? तुम क्या बात कर रही हो? आह, तो ये यहाँ था। शुक्रिया। अजीब है, मुझे अपना बैग साफ करना चाहिए। रुको, मैं ये और नहीं सह सकती। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरे पास एक चीज है। एक कार्ड की शीट लेंगे और इसे 3 बार फोल्ड करेंगे। पहले इस तरफ से फोल्ड करते हैं और कोने पर ग्लू लगाते हैं। अब दूसरी तरफ फोल्ड करते हैं, इसे अच्छे से चिपका दें। ऊपर की तरफ थोड़ी ग्लू लगाएंगे और आधे में फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल एनवेलप की तरह। इसे एक साइड पर रखेंगे, ऐसे ही और बनाएंगे अलग अलग कलर के कार्ड से, बिल्कुल रेनबो की तरह। इनके आसपास एक फोम का पीस रैप करें और वेलक्रो लगा दें। अब यूनिकॉर्न का चेहरा बनाने के लिए फोम इस्तेमाल करें। ये वॉलेट की तरह बन गया और क्यूट लग रहा है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। वाह, ये तुमने बनाया, कमाल है। वाह, जरा ये देखो, इसमें मेरी सारी चीजों के लिए जगह है। मैं इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे यही तो चाहिए था। ये परफेक्ट है। सब हो गया। मुझे भूख लगी है, मुझे स्नैक चाहिए।
लगता है मेरे बैग में कुछ है। हाँ कुछ तो था। ओह कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये मेरा शुक्रिया अदा करने का तरीका है। क्या ये इसमें कैसे फिट आया? हे मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे तो ये फेवरेट है। ओह ये निकल ही नहीं रही। ओह नहीं ओह नहीं, मुझसे दूर रहो। तुम भाग सकती हो पर बच नहीं सकती। जरा बात कर लेते हैं, मुझे बस तुम्हारे ग्रेड्स देखने हैं। ये तो हार ही नहीं मानती। हे जीना, नहीं! ये तुमने क्या किया और ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो, ये गलती से हुआ। जल्दी मैं मदद करती हूँ। मुझे कैप नहीं मिल रही। रुको, लगता है मैं जानती हूँ क्या करना है, शायद ये काम करे। हम डॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर इसका सर किसी बॉडी से अलग करेंगे और ग्लू बॉटल पर लगाएंगे, इसे घुमाकर सिक्योर कर देंगे। हे ये बढ़िया है, अब मुझे ग्रेड्स दो। हमें जल्दी करना होगा। वाह, बॉटल को स्क्वीज करेंगे और इसमें से ग्लू निकलेगी। ऐसा लग रहा है इसकी नोज ही है, गंदा है पर फनी लग रहा है। और ये काम किया, इसे टेस्ट पर लगा देंगे, किसी को कभी पता नहीं चलेगा। ओह अब मेरी बारी, ध्यान रखना टीचर को ना पता चले। वाह ये तो कमाल है, बहुत बढ़िया वेंडी। एफ को गुड बाय कहो। और आ गया ए प्लस, बिल्कुल समय पर हुआ है। आखिरकार तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स का इंतजार कर रही थी। अब मुझे अपने पेपर्स दिखाओ। ये लो, कोई डर नहीं दिखना चाहिए। मैं हैरान हूँ, बहुत अच्छे जीना। और अब तुम दिखाओ वेंडी। ठीक है मेरा ग्रेड करो। एक और ए प्लस। अरे वाह मुझे तो लगा तुम फेल हो जाओगी। बहुत अच्छा काम किया गर्ल्स। एक सेकंड रुको, ये सब क्या है? मुझे तुम बच्चों का कुछ समझ नहीं आता। ये मुझे दे दो। सब ठीक है। ओह मुझे छिपना होगा। समझ गई। वेंडी वापस आओ, तुम्हें रूल्स पता है ना, स्नैक्स अलाउड नहीं है। हाँ? वो यहाँ है, मैं जानती हूँ। तुम भाग सकती हो पर छिप नहीं सकती। छिप भी सकती हो, अभी ये खत्म नहीं हुआ। क्या वो चली गई? चलाकी में तो मुझे ए मिलना चाहिए। दिलचस्प है, लग तो रहा है वो कितना स्मार्ट है और प्यारा भी। ये तुम्हारे लिए है, मुझे कॉल करना। क्या क्या सच में? मुझे नहीं चाहिए। क्या? ओह कुछ हुआ है? वो अपनी मेकअप के साथ खुद को पता नहीं क्या समझती है। ये बहुत गलत बात है, यहाँ मेकअप कर नहीं आ सकती। लगता है क्लास का सारा सामान आ गया, आज के लेसन में बहुत समय लगेगा। ओह ध्यान से देख कर तो चलो। देखो तुमने क्या कर दिया, ये गलती से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। आजकल के बच्चे भी ना। हाँ ये क्या है? ये मेरा तो नहीं है पर रख लेती हूँ। अपना नींबू पानी और कैंडी ले जाओ। हाय आपको क्या चाहिए? मुझे कैंडी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, पर फ्री में नहीं। ओह हाँ बिल्कुल। अरे रुको मैंने अपने पैसे गिरा दिए। आज का दिन कितना बुरा है, पैसे नहीं है तो कैंडी नहीं मिलेगी, माफ करना। तुम जा सकती हो, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे शांत होना होगा। हे तुम क्या कर रहे हो? तुम ये साफ भी करोगे ना? रूम में गंद मचा हुआ तो मॉम बहुत गुस्सा होंगी। जरा रुको मेरे पास एक आइडिया है। हाँ और ये काम जरूर करेगा, मुझे ये चाहिए होंगे। फोम से एक फुटप्रिंट काट लेते हैं, वो भी अलग अलग कलर्स के, और अब एक के ऊपर एक रखेंगे और सबको साथ में जोड़ देंगे। मुझे अपनी ग्लू गन चाहिए। अब सबसे ऊपर वाली लेयर पर ग्लू लगाएंगे, इसे अच्छे से कवर कर देंगे, ग्लू के सेट होने का इंतजार करेंगे। अब लेयर्स के बीच में कट लगाएंगे, इसे इसमें से निकाल कर यहाँ पर बॉक्स लगा दें। ये पैसे रखने के लिए परफेक्ट जगह है, तो अब ये कभी खोएंगे नहीं। ओह तुम वापस आ गई, उम्मीद है इस बार पैसे लेकर आई हो। घबराओ मत मैं लाई हूँ, अभी देती हूँ। ओह मुझे यही तो पसंद है, ये रही तुम्हारी कैंडी। रूल्स जितने भी बना लो कम है, इन बच्चों को डिसिप्लिन की जरूरत है, खासकर मिंडी को। ओह हाय नहीं दूर रहो, तुम
तुम्हारे साथ मुझे डर लगता है। मेरे पास आपके लिए कुछ है। ये मेरा माफी मांगने का तरीका है। उम्मीद है आपको स्वीट ट्रीट पसंद है। ये लीजिए। सच में मेरे लिए? तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। तो हमें बाहर मिलना चाहिए। हाँ है, मैं वापस आ गई। उप्स, कितने बढ़िया शूज है मिंडी, और इतने कलरफुल भी। अच्छे लग रही है। ये सिर्फ शूज ही नहीं है, जरा ये देखो। मुझे जो चाहिए वो सब यहाँ है। मेरा लिप ग्लॉस भी, क्या पता कब काम आ जाए। ये मेरा फेवरेट शेड है। अच्छी लग रही हो मिंडी। हाँ, तुम कितने प्यारे हो। सच में तुम आज बिजी तो नहीं हो? क्यों ना हम मूवी देखने चलें? हाँ जा सकते हैं। तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? वाह, कितनी बढ़िया क्लास है। देखो क्लास, ये बहुत सिंपल है। हाँ है तो। ओह, ये बेंडी है। कैसी हो नर्ड? पता नहीं हम साथ में क्यों बैठे हैं। जो भी हो, अपनी बुक का पेज 14 खोलो। क्या बकवास क्लास है। चलो स्नैक खाते हैं। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, बहुत मजा आएगा। तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्लास में खा नहीं सकती। मुझे भूख लगी है। ओह हाँ, बहुत अच्छी है। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या हो रहा है? वो चॉकलेट खा रही। रुको, मैंने अभी तो देखा था। इस पर नजर रखो, ये बहुत तेज है। ये कोई मजाक नहीं है वेंडी। बहुत अजीब है, शायद मैंने ये ऐसे ही सोच लिया। यही मौका है। मैं कब से ये चिप्स बचा रही थी। अरे चलो भी, ये कैसा मजाक है। ये बढ़िया लग रहे हैं। कितने टेस्टी है। ये क्या बात हुई, आपने ये देखा? अब क्या है? वो बार बार वो तो क्या, ये कैसे हो सकता है। मैं तुमसे निराश हूँ वेंडी, अब तंग मत करना। बिल्कुल, जो करना है करो, मैं तो सैंडविच बना रही हूँ। क्या तुमने अभी, क्या वो ये कैसे कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो भी हो, मतलब अगर मिंडी कर रही है तो मैं भी स्नैक खा सकती हूँ। यहाँ पर कैंडी थी, आहा मिल गई। तुम ये क्या कर रही हो, यहाँ खाना अलाउड नहीं है। बस एक कैंडी, मिली तो। मैं जानती हूँ क्या करना है, मेरी क्लास को परेशान मत करो। ये बहुत गलत बात है। पता नहीं तुम ये कैसे कर रही हो। मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, क्या मुझे स्मूदी पसंद है। क्या ये कैसे हो सकता है, ये गलत बात है। गहरी सांस लो, ये भी खत्म नहीं हुआ। मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ मजा आ गया, अब क्या करें। क्लास ओवर हो गई, मैं पैकअप कर लेती हूँ। चलो चलें। पता नहीं लंच में क्या है। बहुत भूख लगी है, बोल रही। चलो अब देखते हैं। मुझे यही चिप्स तो चाहिए थे। इतनी जल्दी नहीं, यहाँ क्या हो रहा है। तुम ये कैसे कर सकते हो, मतलब इतना सारा खाना। रुको, ठीक है, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा बोलोगी। क्या क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। ये लो और मेरे ग्लासेस पहन लो। ये हो क्या रहा है। हाँ ठीक है, ये मुझे वापस दो। यही तो चाहिए था, हिलना मत। हाँ चलो मेरे साथ, चलो बैठो। क्या तुम श्योर हो? भरोसा रखो काम करेगा, बिल्कुल पिंपल्स जैसे लग रहे हैं, पर ये खाने लायक है। अब मैं खा सकती हूँ। ओह बहुत अच्छे हैं। मैं जानती थी तुम्हें पसंद आएगा, देखा साथ में बैठना इतना भी बुरा नहीं है। ओह टीचर, तो शुरू करें। थैंक्स मिंडी, तुम सबसे अच्छी हो। आज मिंडी का बर्थडे है। ओह वो आ गई। हाय मिंडी, ये हैट क्यों पहनी है। हैप्पी बर्थडे। ये तो इसलिए है, क्लास में चलना चाहिए। तुमने कल रात वो मूवी देखी? जरूर, रुको तो। और उसके बाद वो हॉन्टेड हाउस में गए, और फिर ऐसा क्यों किया। मैं इसे वेंडी के बैग में डाल देती हूँ। बहुत डरावनी थी, मुझे पूरी रात बुरे सपने आए। बैठ जाओ गर्ल्स, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, तो चलो। वेंडी क्या हुआ,
अपना बैग खोलो। हाँ, मेरा बैग? अपने बैग में देखो, जल्दी, उसमें कुछ है। हाँ, सच में? ठीक है, मैं कर लेती हूँ, ये मुझे दो। अब इसके अंदर देखो। वाओ, तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई? ओह, इसकी क्या जरूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। क्या वो कुकीज है? पता है ना, क्लास में खा पी नहीं सकते। ये मुझे दो। पर ये तो गिफ्ट है, शेयर कर लेते हैं ना। ओह, ये सबसे बुरा बर्थडे है। उदास मत हो, कोई बात नहीं। टेस्टी है। मैं एक पैकेट घर भी लेकर जाऊंगी, वो हमारे सामने ही खा रही है। मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी इमरजेंसी के लिए तो मैं कुकी रखती हूँ। क्या, तुम ये क्या कर रही हो? चुप रहो, ये देखो, कुछ और भी चाहिए होगा। ये हेयर बैंड सही रहेगा। क्या, मैं समझी नहीं। चुप कर कर बैठ जाओ। पहले इस कुकी को तुम्हारी स्कर्ट के नीचे रखेंगे, अब इसके आसपास हेयर बैंड बांध देंगे, इससे टिकी रहेगी। पूरी स्कर्ट पर बांध देंगे, ये बहुत फैशनेबल लगेगा। लो, हो गया, तुम्हें कैसा लगा? वाह, ये तो कमाल है, टीचर को पता भी नहीं चलेगा। चुप रहो गर्ल्स, चलो अब स्नैक खाते हैं। बैंड को हटा देंगे और मुझे कुकी मिल गई। हाँ, ये क्या था? मैं तुम दोनों को देख रही हूँ। मैं जानती थी ये काम करेगा। हे, तुम्हें ट्रीट मिलनी चाहिए। ओह, थैंक्स बेस्टी। चलो इसका मूड बदल दे। सबसे पहली चीज बनाते हैं। घबराओ मत, मैं प्रोफेशनल हूँ। इसे साफ करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये ठीक नहीं है। और क्या है? हाँ, इससे तुम्हें गुस्सा आएगा। अरे, इसमें तो बहुत नेगेटिविटी है। हाँ, ये क्या है? बिल्कुल ठीक नहीं है। ओह, बुरा हुआ। हमें इसे आजाद करना होगा, तभी तुम्हें बुरा लग रहा था, अब तुम्हें बेहतर महसूस होगा। बस कुछ और चीजें इसमें डालनी है। तुम्हें हाइड्रेटेड रहना चाहिए। मैं जानती हूँ क्या करना है। तुम्हें अच्छे से सोना चाहिए और सब कुछ अच्छा सोचना चाहिए। एक और जरूरी चीज, तुम्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तुम्हें जितनी चीजों की जरूरत है इसमें वो सब है। जी हाँ, चलो अब इसे वापस बंद कर देते हैं। अब तुम्हें बिल्कुल नया नया महसूस होगा। चलो इसे बदल देते हैं। कितनी प्यारी मुस्कुराहट है। वो, ये तुमने क्या पहन रखा है? मुझे अच्छा लग रहा है। रुको, देखो, ये जस्टिन है। हाँ, बिल्कुल। चलो अब आज चैलेंज शुरू करें। हे भगवान, मैं बहुत खुश हूँ। I love you, Justin. वो कितना प्यारा है। Kisses. बहुत अच्छा लग रहा है। ये रहा तुम्हारा पहला चैलेंज। ये ड्रॉ करो। हाँ? मेरा ध्यान कहीं और था। ये क्या बात हुई? विंग्स बनाओ। चलो। विंग्स। मुझे लगा तुम कह रहे हो। खैर छोड़ो। हाँ, तो शुरू करते हैं। ये रहा एक पेपर का पीस। पहले इसे आधा फोल्ड करेंगे, अब एक विंग ड्रॉ करेंगे। मुझे बस एक ही साइड चाहिए और फिर इसे काट सकते हैं। चलो अब इसे खोलें। ये बटरफ्लाई बन गई। इसे ब्लैक कार्ड पर रखेंगे और चौक से ऐसे लाइंस बनाएंगे। इसे सेक्शंस में बांट देंगे। अब कलर्स बदलते जाएंगे। कोई गैप नहीं छूटना चाहिए। इसे पूरे पर कर देंगे। और अब ब्लैक कार्ड पर मुझे एक रेनबो इफेक्ट चाहिए। ये बहुत अच्छा दिखेगा। जस्टिन को ये बहुत पसंद आएगा, मुझे उम्मीद तो है। बस हो ही गया। अब बटरफ्लाई को उठा देते हैं और इसका सिलुएट बन गया। तुम्हें पसंद आया? माफ करना, तुम्हारे पास आकर मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। ये रहे मेरे विंग्स। वो, ये तो सच में बहुत अच्छा है। मुझे एक आइडिया आया। लगता है मैं जानती हूँ क्या करना है। मुझे बस थोड़ा कैश चाहिए। हे शेरो। हाँ? निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पैसों से ऐसा बर्ताव मत करो, इससे तुम्हारा मन बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल, लो बटरफ्लाई ले लो। वाह, मैं अमीर हो गई। मैं बहुत सारे पिज्जा खरीदूंगी। और तुम भी इन्वाइटेड हो जस्टिन। हाँ?
चुनना मुश्किल है। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे चुनो, मतलब मेरी ड्राइंग चुनो। बहुत अच्छे शरो, मैं तुम्हारी आंखों में डूब जाना चाहती हूँ। मैं भी शीशे में देखता हूँ तो ऐसा ही लगता है, और मुझे बटरफ्लाई बहुत पसंद आई। तुम जानते हो ना ये मैंने बनाई है। नहीं बिल्कुल नहीं, इसे बताओ। गर्ल्स आराम से प्लीज। पता नहीं वो क्या बातें कर रही है, इसे इग्नोर करो। मुझे समझ नहीं आ रहा किसे चुनूं, शेरल को या मिंडी को। दोस्तों मेरी मदद करो, नीचे कमेंट्स में बताओ। मैं उसे पूरा दिन देख सकती हूँ। अब हम क्या करें? समझ गया, खड़ी हो जाओ। ठीक है। हाँ चलो घूमो। तुम चाहते हो कि हम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसा था? नहीं ये नहीं चलेगा। मैंने पूरी कोशिश की। मेरे पास एक और आइडिया है, जरा ये देखो। कुछ ऐसा है जो वो ना कर पाए? हे, हम इसका क्या करें? वाह ये कितना सुंदर है, मैं जानती हूँ क्या करना है। पहले ड्रेस के ऊपर स्टेंसिल को रखेंगे। मुझे एक पेन चाहिए। नहीं कुछ और चाहिए। ये हुई ना बात, मेगा पेन को ड्रेस के ऊपर चलाएंगे। इससे बहुत टाइम बच रहा है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। बस हो ही गया, अब स्टेंसिल को उठा लेते हैं। कितनी प्यारी ड्रेस है, तुम बहुत फनी हो जस्टिन। मॉम भी यही कहती है, तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़कता है। मुझे आज ब्रश कर लेना चाहिए था, बस एक सेकेंड। मैं और क्या करूं? ओह ये काम आएगा। मैं वो इस्तेमाल कर रही थी। ये ज्यादा जरूरी है, पहले ब्रश को व्हाइट पेंट में डुबोएंगे और ड्रेस पर छिड़केंगे, इससे ये और अच्छी दिखेगी। लगता है हो गया, देखो मैं जरूर पहनती। हे भगवान विश्वास नहीं हो रहा ये तुमने किया। रुको मेरे आँख में कुछ चला गया है, निकल गया। ये देखो मेरे पास एक आइडिया है। याइक्स, गुड लक। कुछ लोगों का टेस्ट बेकार होता है। हाँ ये काम आएगा। हमने इस ड्रेस पर ग्लू लगा दी है, अब इस पर गोल्ड ग्लिटर डालेंगे। अब इसमें सिल्वर मिक्स कर देंगे। पर्पल भी अच्छा लग रहा है, और आखिर में ब्लू एड करेंगे। अब स्टेंसिल निकाल देते हैं। कितनी प्यारी ड्रेस है, फालतू का हटा देंगे। ये देखो। हे, बस करो। वो, ओह, बहुत दर्द हुई। क्या सच में? और तुम ब्रेथ मिंट खाओ। हाँ मैं जानती हूँ ये बहुत खूबसूरत है, कितनी अच्छी वेडिंग ड्रेस बनेगी ना। मैं हिंट दे रही हूँ जस्टिन। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वाह क्या क्रिएटिविटी है, बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड हो, क्या कॉम्बो है। वो मुझे कह रहा है। नहीं मुझे, हट जाओ मिंडी, मुझसे पंगा मत लो शेरो। अब ये जस्टिन पर छोड़ देते हैं। खैर चलो निकलो यहाँ से। तुम बहुत डेस्परेट हो, पर मैं तुम्हें अपना खास दिन खराब नहीं करने दूंगी। लेडीज अरे वाह तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे तुम दोनों से प्यार है, मतलब जरा खुद को देखो। वो मुझे कह रहा है, तो फिर वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है? ओह पॉपिट, मुझे ये चीजें बहुत पसंद है। रुको इससे मुझे एक आइडिया आया। तुम बहुत स्मार्ट हो। ओह मैं जानती हूँ, अभी आती हूँ। जो मर्जी करो, मैं तो प्यारा सा व्यू देख रही हूँ। रोलिंग पिन ये काम आएगी। शेरो तुम क्या कर रही हो? ओह हेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं संभाल कर रखूंगी, जैसे मैं यादों को संभाल कर रख रही हूँ। मिंडी ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या है? रोलिंग पिन रख दो, मुझे तुम भी बहुत पसंद हो। ओह ठीक है मैं जानती थी। अरे आराम से, ये ठीक नहीं था, मैं वापस अपना आर्ट बना रही हूँ। फिर बहुत खतरनाक था। ये बढ़िया है, पेंट को रोलिंग पिन पर डालेंगे, पहले रेड से शुरू करेंगे, सीधी लाइन में लगाते जाएंगे। क्या बात है, मैं देखना चाहती हूँ आगे क्या होगा। शांति रखो शेरो, अभी पता चल जाएगा। ऐसे ही ऑरेंज पेंट के साथ भी करेंगे, और ध्यान रहे कि रेड वाले के बिल्कुल साथ साथ रहे। अलग अलग कलर्स लेकर इसे पूरा कवर कर देंगे।
अब एक मजेदार हिस्सा, इसे पेपर पर रोल करेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ, हो गया। ये पॉपिट का पोर्ट्रेट है, चाहो तो इसे फ्रेम करवा लो। वो कितना अच्छा आइडिया है। मुझे भी एक आइडिया आया। पहले पेंट में अपनी उंगलियां डुबोएंगे, अच्छे से लगा लेंगे। वाह, कितना कलरफुल है। हे जस्टिन, ये देखो, मैं पेपर पर अपनी उंगलियों को प्रेस करूंगी। अलग अलग कलर से अलग अलग रोज बनाएंगे, बहुत आसान है। ये हो गया, अच्छा है ना? तुमने मुझे कॉपी किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ नहीं, ये क्या? शेरो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या, मेरी उंगली फिसल गई? मुझे देखो, तुम फनी लग रही हो। गर्ल्स, अब बड़ी भी हो जाओ, तुम में कितना बचपना है। अब ये देखो। नहीं, ये मत करना, इतने हैंडसम चेहरे पर ये मत करो। कैसा लग रहा हूँ? चलो चलो, सच बताओ। मैं जानता हूँ ये जबरदस्त है। हे गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कितना गुस्सा आता है ना, जब फोन की बैटरी लो हो और चार्ज करने की कोई जगह ना मिले। आपको बस दो बनानास चाहिए, इन्हें इस तरह टेबल पर रखें। मैं तो भूल ही गई थी, हमें एक और चीज चाहिए, थोड़ा कैश। जरूरी तो ये कॉइन है। किसी एक बनाना में इस तरह कॉइन लगाएं। अब इसे दूसरे बनाना में डाल दें। अब अपना चार्जर लें और इसे बनाना में लगा दें। ये तैयार है, अब फोन प्लग इन करें और इसमें चार्ज हो जाएगा। गाइस, जरा ये देखो, ये सच में काम कर रहा है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, समझ गए, शो में आपका स्वागत है। जरा ये गोल्ड देखो, अब इन ट्रॉफीज के मालिक को मिलते हैं। सबका फेवरेट एथलीट सनी। ये शॉट अच्छा होगा। कैसे हो? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अपनी बास्केटबॉल हीरो बनने की जर्नी के बारे में बताओ। मैं हीरो नहीं हूँ, मैं एक सुपरस्टार हूँ, समझे? आओ, मेरी गलती है, आगे बताओ। ये सब बचपन से ही शुरू हो गया था। एक प्रो बनने के लिए रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मेरे पास हूप नहीं था, तो मैंने ट्रैश कैन से शुरुआत की। ओह, रह गया, मुझे लगा था उस पर चला जाएगा। मैं ये पिज्जा बॉक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, शायद ये काम करे। मुझे हूप मिल गया है। पहले बॉक्स को खोलेंगे, अब बास्केटबॉल से थोड़ा बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसे अलग सेक्शंस में बांटेंगे और फिर काट लेंगे। इसे पूरा नहीं काटना। हाँ, चलो इसे ट्राई करते हैं। ये जगह सही है। बॉक्स के पीछे का हिस्सा दीवार पर चिपका देंगे। अब सर्कल को इस तरह पुश करेंगे और सनी आ रही है और उसने उसमें डाल दिया। एक बार दोबारा, ये देखो, बूम! तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे लगा चला गया। कोई आसपास नहीं है, तो खुद ही डाल देते हैं। और बाकी तो आप लोगों को पता ही है। और रोमन, ये मेरी जीत की सच्ची कहानी है। लो, अपने आंसू साफ करो, ये लो टिश्यू। मुझे हैप्पी एंडिंग बहुत पसंद है। तुम पिज्जा बॉक्स कह रही थी, तुम्हारे पास वो है? हाँ, क्यों नहीं आश्ले, ये रहा, ये रहा असली बॉक्स, इसी के साथ मैं एक चैंपियन बनी थी। वाह, कमाल है, मुझे देना, कोशिश करो। ये देखो, तुमने कर दिखाया। आज हम इसे यही खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया सनी, अगली बार मिलते हैं, बाय। ये कितनी जबरदस्त चीज है। ओह हाँ, शेक इट। कितना स्क्विशी है, जरा देखो। हाँ, वो कमाल है। काश मेरे पास भी ऐसा कूल टॉय होता, या फिर सनी मुझे इसके साथ खेलने दे। एकदम आराम से। वो जरा इसे देखो, कितना हिप्नोटिक है। पूछने में कोई बुराई नहीं है। hey, रुको, मैं नहीं पूछ सकती। कुछ नहीं। ये क्या था? ये अच्छा नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए? वो कुछ नहीं, मैं नहीं चाहती मेरे साथ कुछ हो। हाँ, एक लॉलीपॉप, मुझे लगा। चलो छोड़ो, मैं प्रैंक कर रही थी। hey, सनी, मैं स्प्रिंग जैसी चीज के साथ खेल सकती हूँ, मतलब ये। हाँ, एक मिनट, तुम तैयार हो? क्या, नहीं? ओ, ये अच्छा नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। अब ये मेरे है और ये सबसे बढ़िया है।
उसे हमेशा अच्छी चीजें मिलती हैं। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। स्टिकी नोट्स को इस तरह अरेंज करेंगे। अब सनी का नोट लेंगे और लेयर्स बनाते जाएंगे अलग अलग कलर्स की। हर नोट को एक एंगल पर लगाएंगे, ये एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। सारे के सारे लगा देंगे। ये बन गया नोट्स का स्पाइरल। अब बस आखिरी के बचे हैं, तो इन्हें सीधा एक के ऊपर एक लगा देंगे इस तरह। बस ये आखिरी है। अब जब इन्हें स्ट्रेच करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। बढ़िया है ना? ओह, मैं जानती हूँ, ये तो काफी लंबा है। वाह, फैंसी स्प्रिंग किसे चाहिए। मैं इसे पूरा दिन देख सकती हूँ। कितना कलरफुल है, और ये मैंने खुद बनाया है। वाह, कितना कूल है। हे सनी, जरा ये देखो। तो मैंने कहा, जो भी हो लिली देखो। वो हाँ, सब ऐसा ही करते हैं। तुम्हें ये कहाँ से मिला एशली? पर तुमने इसे खुद बनाया है? मेरे लिए भी एक बना दोगी? मुझ पर पार्टी हार्ट जचती है। लगता है सब तैयार है। ये रहा केक और चाय, और ये रही गेस्ट। हैप्पी बर्थडे। ओह, इसकी क्या जरूरत थी। ओह, ये केक बहुत टेस्टी लग रहा है। एक सेकंड रुको, बिना चाय के केक नहीं खा सकते। बस ये गर्म हो जाए। सनी, बस एक ही टी बैग बचा है, बस यही है और नहीं। ओह, ठीक है, तुम ये रख लो। नहीं, तुम मेरे गेस्ट हो, ये तुम रखो। नहीं, ये तुम्हारा है। मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ। ले लो प्लीज, मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें चाहिए। टी बैग ले लो ना। रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। तुम किससे बात कर रही हो? ये देखो, पहले टी बैग से स्ट्रिंग निकाल लेंगे, अब इसे खोलेंगे। अब हमें कैची चाहिए। बीच में से एकदम ध्यान से टी बैग काट देंगे। ध्यान से काटना होगा। ये दो टी बैग्स में बट गए। अब जादू देखोगी। टडा! वो, तुम तो जादूगरनी हो। मैं केटल लाती हूँ, मजा आएगा। अब हम केक खा सकते हैं। बिल्कुल, मजा आ गया। शुक्रिया बेस्टी। पर जस्टिन लूना के साथ डांस कर रहा था और गैबी ने उन्हें देख लिया। उसने क्या किया? गैबी बहुत गुस्से में थी। ओह, खाना आ गया। एंजॉय लेडीज। मुझे बहुत भूख लगी है और ये स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे सीरियल बहुत पसंद है। हाँ, कहाँ है? दोबारा ट्राई करते हैं। ये हो क्या रहा है? ये आवाज कैसी है? लगता है ये चम्मच टूटा हुआ है। पता नहीं क्या हो रहा है। तुम मजाक कर रही हो ना? हे वेटर, यहाँ आओ। कुछ हुआ है? ये तो तुम बताओगी। ये क्या है? ओह मैडम, कोई बात नहीं, मैं ये ठीक कर देती हूँ। मैं इसे जोर से मारती हूँ। जरा देखो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आने वाली। बस हो ही गया, जितना सोचा था उससे बहुत मुश्किल है। मैं क्या देख रही हूँ? ये परफेक्ट नहीं है, पर चल जाएगा। उम्मीद तो है। ये हुई ना बात। ये इतना मुश्किल था क्या? अगली बार ठीक कर लेकर आना। तुम इसे पलटा सकती हो, जैसे आम इंसान खाते हैं। देखा, ये बहुत आसान है। तुम्हें समझ में आया भी? इसे पलट लूं? ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। रुको, ये क्या हो रहा है? दोबारा वैसे ही हुआ। तुम ये कर क्या रही हो? मेरे सर में दर्द हो गया है। चम्मच को पलटना वो काम नहीं करेगा। खैर, आज भी कमाई का मौका है। जरा रुको, इन स्पून्स को देखो, ये सारे खराब हैं। पूरा बैच ही खराब है। मेरी नजरों के सामने नहीं, मुझे इन्हें ठीक करना होगा। कम से कम मेरा स्ट्रेस कम होगा और इसके पैसे भी मिलेंगे। क्या जॉब है। मेरा मास्टरपीस पूरा होने वाला है। ओह, ये वाला तो एक म्यूजियम में टांगेंगे। जरा रुको,
ये तो मेरी वाली से भी बेहतर है। अगर मैं अलग तरीके से सोचता तो शायद ये बेहतर दिखती। अरे नहीं, ये बहुत बेकार है। मैं अभी आता हूँ। मैं इस कचरे को फेंक कर आ रहा हूँ। काश मैं ऐसा कुछ बना पाता। एक सेकंड रुको, शायद मैं बना सकता हूँ। मुझे बस ये प्लास्टिक रैप चाहिए। इसे ड्रॉइंग पर लगाएंगे। अब इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। बस आउटलाइन को ट्रेस कर लेंगे। बहुत आसान है। मैं एक जीनियस हूँ। पक्का बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसा ही करते होंगे। ये कॉपी करना नहीं है, ये इंस्पिरेशन लेना है। अब प्लास्टिक रैप को निकाल देंगे और इसे खाली शीट पर रखेंगे। इनको ट्रांसफर करने के लिए रोलिंग पिन इस्तेमाल करेंगे। टडा, बढ़िया लग रहा है। देखो मैंने क्या किया जस्टिन। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। कमाल है, हम दोनों एक जैसा सोचते हैं। हम कितने टैलेंटेड हैं। दो ताली दोस्त। ओह यस, तभी तो हम बेस्ट चीज है। होमवर्क मुश्किल है। जरा रुको, ये क्या था? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई मतलब नहीं है। ओ नहीं, फॉर्मूलाज सब मिक्स हो गया है। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम फेल हो गए हो जस्टिन, पर मुझे खुशी मिली। ये आवाज कैसी है? बहुत जोर से लगी। क्या ये कमरा घूम रहा है? नहीं, ये मेरी ही परेशानी है। क्या हो गया? फिजिक्स इतनी मुश्किल क्यों है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं फेल हो जाऊंगा। ओ, मेरा सर। बस एक सेकंड दो, मुझे इस पर बैंडेड लगानी होगी। ओ, बहुत जोर से लगा, और ध्यान रखना होगा। अब ठीक है। क्या ये ज्यादा जरूरी है डैड? मुझे एफ नहीं मिल सकता। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर सब भूल रहा हूँ। रुको, समझ गया। ये हुई ना बात जस्टिन। हाँ, मैं बैंडेड्स की बात कर रहा हूँ। ये मुझे दो, इससे सब ठीक हो जाएगा। गुड बाय एफ। बैंडेड की बैकिंग हटाएंगे और सारे फॉर्मूलाज इस पेपर पर आ गए। इसे बैंडेड के बीच में लगाएंगे और सारे आंसर्स यही हैं। ये एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ओह, मुझे बहुत दर्द हो रही है। ओह, तुम्हें क्या हो गया? अभी बहुत ताजा है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम फिर भी एग्जाम दोगे? ओह हाँ हाँ, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। गुड लक, तुम्हें दुआओं की जरूरत है। ऐसा आपको लगता है, इस बैंडेड को निकाल देते हैं और मुझे जो चाहिए सब यहाँ है। चलो मान लो मैं बहुत तेज हूँ ना। मुझे लगा ये आर्ट क्लास है। मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की? मैं पास नहीं होने वाला। एक सेकंड, टीचर का ध्यान कहीं और है। यही मौका है। एकदम आराम से, मेरे फोन के बिना मैं क्या करता? मुझे यही तो चाहिए। आपको आंसर मिल गया होगा। और अगर आप ये कर लें, वहाँ पीछे क्या हो रहा है? क्या ये फोन है? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसी बात है। आप कब से यहाँ हो? बहुत समय से। चलो मुझे फोन दो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी एलेक्स। अब एग्जाम पूरा करो। विश्वास नहीं होता। हाँ हाँ, जो भी हो, चाहे वो मेरा फोन ले गए हैं, पर वो मेरे स्नैक्स तो नहीं लेकर गए ना। इन चिप्स में एक खास चीज है, आंसर्स। और सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं बाद में चिप्स खा सकता हूँ। ये कैसा मजाक है? लगता है मुझे कोई देख रहा है। कुछ नहीं है, चिप्स मेरे लिए। क्या जरूरत थी? दोबारा नहीं। अब एक ही चारा है, तुम्हें यही मिलना चाहिए। ओ, मजा आ गया। अब निकलो यहाँ से। आप बहुत बुरे हो। ओ, तो अब रोने वाले हो? कितनी गलत बात है। क्या हो गया बेटा? मुझे एस मिला डैड। मैंने पूरी कोशिश की। कोई बात नहीं, उदास मत हो। एक मिनट, लगता है मैं जानता हूँ क्या करना है। पहले मैं अपने मैग्नीफाइंग ग्लास में से हैंडल निकाल लेता हूँ। अब एक कार्ड की ट्यूब चाहिए। इसे लेंस के ऊपर लगाएंगे और ग्लू से टिका देंगे। बस कोने कोनों में ग्लू गन चला देंगे। अब हमें रेड टेप चाहिए। इसे लेंस के आसपास लपेटेंगे। ये अच्छा दिखना चाहिए। तो चलो एलेक्स, इससे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये क्या है? इसे अपनी आंखों पर लगाओ। मैं अभी आता हूँ। जरा रुको, ये देखो। क्यों? ओ, मैं समझ गया। मैं आंसर्स देख सकता हूँ। लाजवाब। हाँ, चलो अब एग्जाम दे। मैंने बहुत मुश्किल बनाया है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। सब ऐसा ही कहते हैं।
शुरू करो। मैं जानता हूँ तुम फेल हो जाओगे और मैं जानता था कि ऐसा ही आएगा। चलो डैड, आप कहाँ हो? नहीं, ये तो पेड़ है। मैं जानता था ये भेस बदलना काम आएगा। एलेक्स, यहाँ देखो। परफेक्ट, आप मुझे निराश नहीं कर सकते। थैंक्स डैड। हाँ, तुमने कुछ कहा? ये क्या कर रहा है? लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मुझे पता लगाना होगा। अभी तक तो सब ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हो? लो देख लो। हाँ, दो इधर। ये बिल्डर थोड़ा अजीब लग रहा है। नेचुरल रहो। लगता है सब ठीक है। मैंने तुम्हें गलत समझा एलेक्स। फिर बच गए। वाह, ये कितना बोलते हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है और ये टेस्ट में आएगा। मुझे बस ब्ला 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 सुनाई दे रहा है। मैं जानता हूँ क्या करना चाहिए। स्नैक्स खाएं। इतना सुन सुन कर मुझे भूख लग गई। मीठी मीठी कैंडी। रुको, क्या मुझे कैंडी रैपर की आवाज आई? बहुत मजा आएगा। तुम ये क्या कर रहे हो? ये नहीं चलेगा। तुम्हें रूल्स पता है ना, क्लास में स्नैक्स नहीं चलते। ये मुझे दो और बाकी के भी। क्या कर सकते हो, देखते हैं ये असली कैंडी है या नहीं। ओह हाँ, ये पक्का कैंडी है। तो मैं कहा था, ठीक है स्नैक्स अलाउड नहीं है ना, पर उन्होंने सोडा के लिए तो मना नहीं किया। ये चल जाएगा, पर इस बार मैं ध्यान रखूंगा, इसे छिपा कर पीऊंगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। रुको, वो कहाँ चले गए? मतलब कैसे हो? ये मुझे दे दो। ये यहाँ कैसे आ गया? ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है एलेक्स। उधर देख रहे हैं, जल्दी करना होगा। ओह बिल्कुल नहीं। क्या? मान लो मैं इसमें बहुत तेज हूँ और मैं ये ले जा रहा हूँ। मैं इतना पास था, बस टेस्ट ही करने वाला था। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हे भगवान, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, अब मैं रुक जाता हूँ। जरा रुको, मेरी ग्लू स्टिक। इससे मुझे एक आइडिया आया, मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले मुझे ग्लू निकालनी होगी। अब क्यूब के अंदर से साफ कर देते हैं। अब मुझे अपनी फेवरेट कैंडी चाहिए, इसे प्रेस कर देंगे। मुझे एक सुपर कैंडी बॉल चाहिए, इसमें ट्यूब प्रेस करेंगे, इससे बॉल का सेक्शन निकल आएगा। अब हम बाकी की कैंडी भी निकाल सकते हैं, इसे बाद के लिए रख लेते हैं। अब मेरे पास कैंडी स्टिक है, जब ट्यूब को घुमाएंगे तो कैंडी बाहर आएगी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, और सबसे अच्छी चीज, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। स्वादिष्ट। एक सेकंड रुको, ये खुशबू कैसी है? दोबारा नहीं, क्या ये कैंडी की खुशबू है? क्या नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे पास से देखना होगा। हे देख लो, यहाँ कुछ नहीं है। ये तो मेरी आम सी पुरानी ग्लू स्टिक है। तो ऐसी बात है, शायद वो सच बोल रहा हो, कैंडी तो नहीं दिख रही। ठीक है, तो मेरी ही गलती होगी। हाँ हो सकता है, तो अब मैं ये ग्लू लगा लूं। बहुत टेस्टी है, शायद ये क्लास इतनी भी बुरी नहीं है। हम जानते हैं स्कूल में रहना मुश्किल है, बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं और बहुत सारे बकवास रूल्स फॉलो भी करने पड़ते हैं, पर कोई बात नहीं, हम है ना, हमारे कुछ मजेदार हैक्स आपको बहुत मदद करेंगे। आपका स्कूल का सबसे अच्छा हैक कौन सा है, हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसी ही और बढ़िया वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।